कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद 3 दिन पहले हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को निर्धारित SPO के तहत खोल दिया गया था, लेकिन 3 दिन बाद भी स्कूलों में बच्चों की रौनक दिखाई नहीं दी। इसका मतलब ये है कि अभी भी अभिभावक असमंजस में फंसे हुए हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका जताए जाने के बाद अभिभावक शंका के घेरे में फंसे हुए हैं। होगा, मैं तो कहूंगी ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को स्कूल में भेजना बहुत ही खतरनाक और चिंता का विषय है। और मैं तो यही कहती हूँ कि अभी भी बच्चों के माता पिता इतने चिंतित हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, उनसे पहले उनका बच्चों की जो जिंदगी है, लाइफ है। और बच्चों के माता पिता, मैं चाहती कहूंगी कि उनके माता पिता भी अभी बच्चों को नहीं भेजेंगे स्कूल में, इसलिए अभी तो स्कूलों का बंद रहना ही ठीक है। जब तक ये बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक ये चिंता का विषय बना रहेगा और बच्चों के लिए स्कूल जो है खतरे से खाली नहीं है। वही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि डॉक्टरों की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल को खोला है, यदि फिर भी किसी तरह की दिक्कत होती है तो वो विचार विमर्श करके स्कूल बंद कर देंगे, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, अब जो सारे नियम पहले थे वो सारे के सारे नियम हमने की बार भी वैसे ही लागू रखे, जो भी डॉक्टरों ने बताए, विशेषज्ञों ने बताए कि इन नियमों का पालन होना चाहिए, उन सभी नियमों का पालन उसी प्रकार से रहा। तो और जहाँ तक तीसरी लहर की जो बात करें तो हम स्वयं भी उस पर नज़र रखे, अगर कहीं भी मान लो इस प्रकार की कोई बात होती है तीसरी लहर जैसी, तो तुरंत हम निर्णय दोबारा उसको इस निर्णय को बदलेंगे। अगर स्कूल बंद करने पड़ेंगे तो स्कूल बंद करेंगे, इसमें क्या बात, तो बच्चों का स्वास्थ्य तब है। वही स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि वो स्कूलों में सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों का प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले गेट पर सैनिटाइज करने के बाद टेम्परेचर चेक करके बच्चों को कक्षा में भेजा जाता है, जिसके बाद एक बेंच पर एक बच्चे को डिस्टेंस के आधार पर बैठाया जा रहा है और स्कूल में पूर्ण तरीके से एहतियात बरती जा रही है। जैसा हमने सोचा था वैसा तो नहीं मिला रिस्पॉन्स, पर हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल में आए और हमारी पढ़ाई गई चीज़ों का लाभ उठाए। अभी बच्चे कम आए हैं क्योंकि कुछ बच्चे आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, कुछ बच्चे अवेयर नहीं हैं इस चीज़ से कि स्कूल खुले हैं क्या नहीं खुले हैं, कुछ माँ बाप भी डरे हुए हैं कि हम भेजें ना भेजें, बट कुछ पेरेंट्स हैं जिससे हमने बात की है वो बोल रहे हैं कि नहीं स्कूल खुलने चाहिए। बच्चे घर बैठे बैठे पूरी तरह से टाइड अप हो चुके हैं और अपनी पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग स्कूल खुलने चाहिए और हमारे अकॉर्डिंग भी स्कूल खुलने चाहिए, हमें ऐसा लगता है। देखिए, हमें उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान है, हम बच्चे को प्रॉपर जैसे ही बच्चा स्कूल में एंट्री करता है उसको सैनिटाइज करते हैं, उसका टेम्परेचर चेक होता है, उसके बुक्स को सैनिटाइज किया जाता है, उसके बैग्स को, हर एक चीज़ को सैनिटाइज किया जाता है। जिस बेंच